सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल सुधीर विद नोटिफिकेशन बेल ऑन। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है, कौन सा ग्राफिक्स कार्ड सबसे अच्छा होता है, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, DDR6 इनमें से सबसे ज्यादा फास्ट कौन सा होता है, कौन सा ग्राफिक्स कार्ड आपको लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर राजपूत, आप देख रहे हैं टेक्निकल सुधीर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है। बेसिकली ग्राफिक्स कार्ड एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है जिसके अंदर आपका प्रोसेसर होता है, खुद की एक रैम होती है, इसके अंदर मदरबोर्ड होता है और इसे GPU बुलाते हैं, यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिकली ग्राफिक्स कार्ड काम होता है आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर में ग्राफिक्स को प्रोसेस करना और जो आपके सामने डिस्प्ले पर पिक्सल चल रहे होते हैं उनको हर सेकंड प्रोसेस करके आपको डिस्प्ले पर शो कराना। अब हम बात करते हैं आपको अपने कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड लगाना क्यों जरूरी है। आप जानते हैं आजकल इतने हाई एंड गेम आ रहे हैं, इन गेमों में कितने अच्छे ग्राफिक्स होते हैं और इन ग्राफिक्स में मिलियंस ऑफ पिक्सल हर सेकंड चल रहे होते हैं, तो इन सबको प्रोसेस करने के लिए ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत पड़ती ही है। अगर आप अपने कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाते और ऐसे ही गेम रन करते हैं तो होगा ये, आपका कंप्यूटर गर्म हो जाएगा, ऊपर से गेम चलेगा नहीं, लैग करेगा, वो ग्राफिक्स ठीक से प्रोसेस नहीं होगी, आपका सिस्टम बहुत गर्म हो जाएगा और आप गेम स्मूथली नहीं खेल पाएंगे। तो इसीलिए आपको ग्राफिक्स कार्ड चाहिए ही चाहिए। ग्राफिक्स कार्ड बेसिकली उसमें अलग से एक पंखे लगे होते हैं, ठीक है, आपको वैसे ही बता रहा हूँ मैं, पंखे लगे होते हैं और CPU वगैरह तो उसमें होता ही है। तो जो पंखे होते हैं तो वो आपको एक अलग वो होता है, उसका एक प्रोसेसर हो जाता है। ग्राफिक्स कार्ड का काम होता है उन गेमों को, उनका मेन काम होता है इन सभी गेमों को प्रोसेस करना, क्योंकि जो आपका प्रोसेसर होता है वो आपके बहुत कंप्यूटर के सभी टास्क देखता है, लेकिन ग्राफिक्स कार्ड का मेन काम होता है उन गेमों को ही, और वो उस पर्टिकुलर गेम के लिए ही बनाए जाते हैं गेम, मतलब जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं वो इन गेमों के लिए ही बनाए जाते हैं कि वो गेमों को अच्छे से रन करा सकें और उनको अच्छे से जो उनके ग्राफिक्स होते हैं इनको अच्छे से प्रोसेस करके आपको सामने डिस्प्ले पर एकदम अच्छे से उनकी हर जो रियलिस्टिक होती है एकदम अच्छी सी फीलिंग आए देखने में कि हाँ रियल गेम में एकदम खेल रहा हूं। तो इसीलिए ग्राफिक्स कार्ड बनाए जाते हैं कि आपको एकदम परफेक्ट गेम प्ले मिले। अब मैं बात करता हूं कि कौन सा ग्राफिक्स कार्ड फास्ट होता है। मैं एग्जांपल के तौर पर DDR3 और DDR5 लेता हूं। DDR3 का मैं लेता हूं 8GB का और DDR5 का लेता हूं 2GB का। तो यहां DDR3 का 8GB वाला स्लो होगा DDR5 के 2GB से ज्यादा, मतलब DDR5 का 2GB फास्ट होगा। क्यों होगा? यहां पर जो रैम का मामला है, जो 4GB 6GB 8GB जो रैम है ये बस ये इसलिए होती है कि वो ग्राफिक्स कार्ड कितनी कैपेसिटी होल्ड कर सकता है, कितना डेटा होल्ड कर सकता है। और यहाँ जो DDR5 DDR3 और DDR2 जो भी है ये इसका सीधा सीधा मतलब ये है, ये जनरेशन है, ये नई टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आती जाती है, पहले DDR2 आई, DDR3 आया, फिर DDR5 आया, अब DDR6 भी आ गया है। तो ये जनरेशन है, ये नई टेक्नोलॉजी आती जाती है और इसी तरह से ये स्पीड को बढ़ाते जाते हैं। यहाँ रैम का मतलब बस यही है कि वो ग्राफिक्स कार्ड कितनी कैपेसिटी होल्ड कर सकता है, और ये जो DDR5 है ये प्रोसेस को दर्शाता है कि डेटा ये कितनी जल्दी प्रोसेस कर सकता है। ये डेटा बहुत जल्दी प्रोसेस करता है जो DDR5 का है, और DDR6 का तो इससे भी ज्यादा प्रोसेस करता है। जो DDR3 का ग्राफिक्स कार्ड है और DDR5 का ऑलमोस्ट डबल है DDR3 से। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई अब भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।